अस्सलामु अलैकुम, मैं सुलेखा अरफान, सुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं लेमन बटर गार्लिक फिश, यानी कि मच्छी। तो चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है बोनलेस मच्छी, फिलेट जिसे कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 400 ग्राम ली है, आप चाहें तो 350 ग्राम भी ले सकते हैं ये वाली रेसिपी के लिए। अच्छी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई, तो यहाँ पर मैं इसे 3 इंच के जो टुकड़े आते इस कदर बना रही हूँ। आप बड़े या छोटे अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इसमें बोनलेस मच्छी ही लीजिएगा ये वाली रेसिपी के अंदर। जब पीसेस कर लें तो अच्छे से पहले तो धो लीजिएगा। अच्छे से धो के मैंने 10-15 मिनट के लिए छन्नी पर साइड पर नितारने रख दिया था। अब टिश्यू पेपर से इस तरीके से एक एक पीसेस को लीजिए और प्रेस करते जाइए, तो जो भी जो ये रहता है ना मॉइस्चर, वो थोड़ा निकल जाएगा, क्योंकि अब हम मैरिनेट करेंगे ना ये मच्छी को। जब ये सारे पीसेस आप कर लें इस तरीके से, तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं यहाँ आधा छोटे चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा मैंने नमक डाला, अब पलट दिया मैंने सारी मच्छियों के पीसेस को, और फिर से मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक और ये जो मसाला अब हम थोड़ा बहुत भी लगा रहे हैं वो अच्छा चढ़ना चाहिए ना। अब यहाँ पर 3/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसी सेम तरीके से डाला, और आधा छोटे चाय का चम्मच आप चाहें तो गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, या फिर मेरी तरह मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। अब एक एक मच्छी के पीसेस को लीजिए और इस तरीके से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा रब भी कीजिएगा, सो दैट मसाला कम लगाया लेकिन थोड़ा अंदर तक भी ये वाला मसाला जाना चाहिए ना। अब जब आप सारा अच्छे से रब कर लें आगे पीछे कर कर, तो इसे आप चाहें तो ढक कर फ्रिज में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, या फिर आप साइड पर भी रख सकते हैं बाहर। बट मैं हमेशा मच्छियों को फ्रिज में ढक कर ही रखती हूँ, और मैं 1 घंटे के लिए साइड पर रख रही हूँ फ्रिज के अंदर। 1 घंटे के बाद ये मच्छी मैंने निकाल ली। आधा कप मैदा लीजिए, आप 1/4 कप भी ले सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसके अंदर है ना ये जो मच्छी है ना, उलट पलट करते जाएं और अच्छे से वेल कोट कर लें। साइड्स वगैरह में भी अच्छे से लगाइएगा, चारों ओर से अच्छे से वेल कोट होते जाए, साइड पर रखते जाइए। इसी तरीके से सारे पीस को आप वेल कोट मैदे से कर लीजिएगा। चलिए, अब हम फ्राई कर लेते हैं। उसी समय एक तवा रख दीजिए, उसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए, आप फ्रेश तेल डाल सकते हैं या कोई फ्राई किया हुआ तेल हो आपके पास वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कल चिली गार्लिक प्रॉन्स बनाए थे, तो प्रॉन्स इसी तेल में फ्राई किए थे, तो मैंने वही वाला तेल लिया है। वैसे प्रॉन्स चिली फ्राई की रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो हमारी ये जो बोनलेस मच्छी है ये सारी लगा दीजिए एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को, और 2 मिनट तक पकने दीजिए। जब 2 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए हमारी मच्छी को, और पीछे का साइड भी 2 मिनट पकने दीजिए। जब पीछे का साइड भी 2 मिनट हो जाए, तो थोड़ा सा चिमटे की मदद से खड़े करके साइड्स भी अच्छे से पका लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ी सी थिकनेस है मेरी वाली मच्छी के अंदर, तो शायद आपकी वाली मच्छी क्योंकि बोनलेस है ना, तो शायद थिकनेस भी होगी। तो इस तरीके से आप चारों साइड्स को जो चिमटे से इस तरीके से खड़े रख दीजिएगा, तो हमारी चारों ओर से जो साइड से भी मच्छी अच्छे से पक जाएगी। अब उलट पलट करते हुए हमारी मच्छी को फ्राई कर लीजिए। तकरीबन टोटल 5 से 6 मिनट ही लगेगी आपकी मच्छी को फ्राई होने में, छोटे पीसेस हैं, और 5-6 मिनट में तो मच्छी आराम से हो जाती है। अब जब 5-6 मिनट हो जाए उलट पलट करते जाए फ्राई कर मीडियम आंच पर, तो इसे निकाल लीजिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि पता कैसे चलेगा कि हमारी मच्छी हो गई है कि नहीं, तो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ उसका। एक टूथपिक या फिर जो छुरी आती है उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। छुरी या टूथपिक को इंसर्ट कीजिए हमारी जो सारी मच्छी के अंदर, इस तरीके से हल्के हाथ से चली जाए, आराम से चली जाए, मतलब हमारी मच्छी हो चुकी है। और अगर ज़रा भी आपको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट लग रहा है आपको डालने में मच्छी के अंदर, तो इसका मतलब और आधा 1 मिनट तक पकने की ज़रूरत है हमारी मच्छी को। तो चलिए, मैंने चूल्हा कर दिया बंद, और मैं डायरेक्टली सर्विंग प्लेट के अंदर एक एक करके ये मच्छी नितार कर निकाल लेती हूँ, सो दैट अब हम बना लेंगे लेमन बटर गार्लिक सॉस। अब एक दूसरी फ्राई पैन ले लीजिए, चूल्हा चालू कर दीजिए, और 50 ग्राम मक्खन डाल के चूल्हे को स्लो कर दीजिए। हाँ,
और हल्का जब मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ और इसे 1 मिनट तक बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए, सो दैट हमारा मक्खन भी पिघलता जाएगा, आप देख रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा हमारे जो लहसुन है वो भी थोड़ा बहुत हल्का भून जाएगा 1 मिनट में। जब 1 मिनट हो जाए चुटकी भर नमक डाल दीजिए, आधा छोटी चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, 2 छोटी चाय के चम्मच मैदा डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए स्लो आंच पर ही रखिएगा और तकरीबन बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक इसे भी भून लीजिए। जब बार बार चलाते हुए 1 मिनट हो जाए और हमारा ये 1 मिनट में भून जाए मैदा, अब चूल्हे को कर दीजिए बंद और यहाँ डाल दीजिए बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया, 1 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्विकली चख लीजिएगा, नमक कम लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिए, खटास कम लगे तो खटास थोड़ी सी 1/4 या आधा छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिए। और डायरेक्टली ये वाली जो हमारा सॉस तैयार हुआ है, हमारी जो मच्छी फ्राई करी हुई है उसके ऊपर पोर कर दीजिए। लेकिन मेरी जो मच्छी है वो 400 ग्राम है और मुझे मक्खन कम लग रहा है तो यहाँ पर मैंने 10 ग्राम और मक्खन डाला और इसे क्विकली चूल्हे को चालू करके मैंने स्लो आंच करके ये जो मक्खन है बस मेल्ट हो रहा है वहाँ तक ही मैं इसे अभी पका रही हूँ। जब मेल्ट हो जाता है तो मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और ये जो मच्छी है इसके ऊपर हमारा ये जो लेमन बटर गार्लिक सॉस है ये सारा डाल दीजिए। मैंने 60 ग्राम मक्खन यानी कि बटर डाला है क्योंकि मेरी 400 ग्राम मच्छी बोनलेस वाली है। अगर आपकी 350 ग्राम मच्छी है तो आपने सिर्फ 2 ही चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंज ये है कि आप मक्खन 50 ग्राम ही डालिएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा चेंज ये है ये रेसिपी के अंदर कि आप जो लहसुन डालते हो 1.5 टेबल स्पून के बजाय 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ डालिएगा। अब थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए सर्विंग के टाइम पर और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के हमारी बढ़िया सी मच्छी गर्मा गर्म डिलिशियस लेमन बटर गार्लिक मच्छी सर्व कीजिए। मैंने कुछ मच्छी और झींगों की यानी कि सी फूड रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। Until then, take care, Allah Hafiz, bye bye.